Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about another literary term, that is poetic license. So let's start. It means liberty taken by the poet to produce a desired effect by breaking established rules of language. कि पोएट के पास पोएट्री लिखते समय आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है कि वो जो है अपने थॉट्स को जो है अपने ही तरीके से मतलब एक्सप्रेस कर सकता है रीडर्स के सामने, और साथ ही साथ डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है बजाय कोई स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें. व्हेन द पोएट यूज़ वर्ड्स, सेंटेंस, स्ट्रक्चर एंड फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस. कि जब भी पोएट पोएट्री को लिखता है सो वो जो है उस पोएट्री के अंदर अपने ही चॉइस के वर्ड्स, सेंटेंस, स्ट्रक्चर और फ्रेजेस को यूज़ करता है, उसे पोएटिक लाइसेंस बोला जाता है. देन जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है शेक्सपियर द्वारा लिखा गया प्ले जूलियस सीजर, उसके अंदर लाइन है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है पोएटिक लाइसेंस का. फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंट मी योर ईयर्स. सो फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमैन को जो है शेक्सपियर ने ओमिट कर दिया सो दैट ही कैन मेंटेन द लाइन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ताकि वो जो है इस लाइन को मेंटेन कर सके आयम्बिक पेंटामीटर में. सो आयम्बिक पेंटामीटर पे मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून. सो उन्होंने क्या किया, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंट मी योर ईयर्स, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है पोएटिक लाइसेंस का. देन द फ्रीडम पोएट गेट्स इनटू द चॉइस ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड ग्रामर. सो मैंने बताया पोएटिक लाइसेंस के थ्रू क्या होता है, पोएट के पास फ्रीडम होती है कि वो जो है अपने मतलब मनपसंद वर्ड्स को जो है यूज़ कर सकता है, फ्रेजेस को यूज़ कर सकता है, और अपने ही मतलब कोई जो है कन्वेंशनल रूल जो है वो फॉलो नहीं करता ग्रामर का. सो उसके पास जो है फ्रीडम होती है पोएट्री लिखते समय, दैट इज़ कॉल्ड एज पोएटिक लाइसेंस. जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने इसमें लिखा है कि हम वैसे बोलते हैं, बोलने को हम ऐसे बोलते हैं आई गो टू होम एवरी डे. सो ये लाइन जो है परफेक्ट है, बट अगर मैं पोएटिक लाइसेंस को यूज़ करूँगी तो मैं किस तरह से बोलूँगी, एवरी डे गो होम आई. सो मैं आई गो टू होम एवरी डे ना बोलकर मैं ये बोलूँगी एवरी डे गो होम आई. सो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. एंड देन जॉन ड्राइडन इन लेट 17th सेंचुरी डिफाइन पोएटिक लाइसेंस एज द लिबर्टी. प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम कि ये पोएटिक लाइसेंस को डिफ़ाइन किसने किया था. सो जॉन ड्राइडन ने 17th सेंचुरी में पोएटिक लाइसेंस को डिफ़ाइन किया था एंड बोला था एज द लिबर्टी. पोएटिक लाइसेंस क्या है, एक तरह की लिबर्टी है विच पोइट्स हैव अज्यूम टू देमसेल्स, जो कि पोएट ने क्या किया है अपने आप ही अपनी पोएट्री लिखते समय अज्यूम कर ली है. पोएटिक लाइसेंस कुछ ऐसी है तो इन ऑल एजेस ऑफ स्पीकिंग थिंग्स इन वर्ड्स, कि मतलब क्या बोला है, मतलब जॉन ड्राइडन ने ये बोला है कि पोएटिक लाइसेंस एज द लिबर्टी, कि पोएटिक लाइसेंस एक तरह की फ्रीडम है जिसमें पोएट जो है पोएट्री को लिखते समय हर एज में जो है अपने तरीके से जो है अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है. कि पोइट्स हैव अज्यूम टू देमसेल्स इन ऑल एजेस ऑफ स्पीकिंग थिंग्स इन वर्ड्स विच आर बियॉन्ड द सिवियरिटी ऑफ प्रोज, कि इसके थ्रू जो है पोएट अपने ही बात को अपने ही तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है. सो इस सेंस में जो है बोला गया है, जॉन ड्राइडन ने इसको डिफाइन किया है. एंड ये जो है प्रोज में मतलब ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ पोएट्री के लिए पॉसिबल है एंड प्रोज के लिए नहीं है. देन दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय जॉन ड्राइडन. प्लीज़ रिमेंबर दिस. इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स एंड इट्स ओरिजिन हैपेंड इन 17th सेंचुरी. पोएट यूज दिस लिटरेरी टर्म सो एज टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड इफेक्ट. पोएट जो है इसको क्यों यूज़ करते हैं, इस लिटरेरी टर्म को इसलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है रीडर्स पर जो है डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकें. जो भी वो अपनी पोएट्री को क्रिएट करते हैं ताकि सो वो अपनी पोएट्री के थ्रू जो है रीडर्स पर डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकें. ही कैन ब्रेक इस्टेब्लिश रूल्स ऑफ लैंग्वेज, कि इसके थ्रू क्या हो सकता है कि वो जो है मतलब लैंग्वेज को जो है मतलब जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं लैंग्वेज के उसे जो है ब्रेक करके अपने ही मतलब
वर्ड सेंटेंस फ्रेजेस स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक पोइट्री को क्रिएट कर सकता है। सो इसमें जो है कोई बाउंड मतलब उसे जो है किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना पड़ता, कोई बाउंडेशन नहीं है। आई माइट चेंज द रूल्स ऑफ ग्रामर फॉर द टाइम बीइंग एंड नॉट फॉलो द कन्वेंशनल ग्रामर रूल्स, कि मतलब क्या होगा कि मैं जो है कुछ टाइम के लिए मतलब पोएटिक लाइसेंस क्या हो गया, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं क्या करूँगी, थोड़े टाइम के लिए जो है ग्रामर के रूल्स को बदल दूँगी और कन्वेंशनल ग्रामर के रूल्स को जो है मैं फॉलो नहीं करूँगी। सो इस सेंस में आप समझ सकते हैं कि ये पोएटिक लाइसेंस का मतलब होता है। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि कुछ टाइम के लिए मैंने ग्रामर के रूल्स को बदल दिया एंड मैंने जो है कन्वेंशनल ग्रामर रूल्स को फॉलो नहीं किया। सो पोएटिक लाइसेंस जो है इस सेंस में भी आप समझ सकते हैं। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।